हेलो फ्रेंड्स, मायोटेक गाइड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आय बाबत स्वप्रमाणित घोषणा पत्र का फॉर्म कैसे भरते हैं, और इसमें अक्सर कई गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण ये रिजेक्ट हो जाता है। और अगर आप ऑनलाइन फॉर्म आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं तो उसमें भी आपको ये अपलोड करना होता है। तो चलिए बताते हैं आज कैसे इसको भरते हैं और इसमें आपको क्या क्या छोड़ना है, क्या भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना आय प्रमाण पत्र अपने से ऑनलाइन बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो आपको आई बटन या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पे फॉर्म परिशिष्ट एक आय बाबत स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सादे कागज पर है, और इस पर फॉर्म शुरू होता है मैं से। यहां पे आपको जिसका आवेदन करना है उसका नाम होगा। तो यहां पे हमने भर के रखा है, आपको सिर्फ यहां पे दिखा देता हूं। इसके बाद आत्मश्री, यहां पे आपको अपने पिता का नाम डालना है। अगर आप महिला हैं तो वहाँ पे अपने पति का नाम डालना होगा। इसके बाद आयु लिखा है तो आयु अपना जो आवेदन कर रहा है उसका डालना है। इसके बाद वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता हूँ करती हूँ, यहाँ पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म एक में भरना है मैं वर्तमान में, अपना ग्राम पता डालना है, मैं निवासरत हूँ। इसके बाद दूसरे नंबर पर भरना है मेरे नाम से ग्राम में, यहाँ पर आप जितना ज़मीन हो वह डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 हेक्टेयर डाल दिया है, और इसके बाद इससे मुझे कितना प्राप्त होता है इनकम वो डालना है। तो यहाँ पे मैं 30,000 डाल देता हूँ, और इसके बाद शब्दों में लिख देता हूँ। और मुझे यहाँ पे 40,000 का आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो यहाँ पे मैं 30,000 डाल देता हूँ। डायरेक्ट आपको यहाँ पे 40,000 नहीं डालना है। इसके बाद मेरा व्यवसाय जो है कृषि है, तो यहाँ पे मैं कृषि लिख देता हूँ। आपका व्यवसाय जो भी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है कि मेरा जो ज़मीन है 2 हेक्टेयर है, उससे मैं 30,000 रुपये प्राप्त होता है। तो यही मेरा व्यवसाय भी है, तो यहाँ पे 30,000 लिख देना है। दोनों में सेम लिखना है क्योंकि दोनों एक ही है। तो यहाँ पे मैं 30,000, इसके बाद शब्दों में 30,000 लिखना है। इसके बाद आपको चौथे नंबर पर गृह संपत्ति से मेरी वार्षिक आय पर कुछ नहीं भरना है क्योंकि वहाँ पर आप कृषि में भर चुके हैं। और यहाँ पर पाँचवें नंबर पर मेरे परिवार में कितने सदस्य हैं उनको लिखना है, जो अवयस्क हों, जैसे आपके बूढ़े माता पिता हैं, पति बच्चे जो भी हों, और जो वयस्क हैं उनका नहीं भरना है। इसके बाद आपको छठवें नंबर पे मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय 40,000 लिखना है। 30,000 आपने ऊपर लिखा है, 10,000 अपने से जोड़ के यहाँ पे टोटल 40,000 लिखना है, और यही आपका इनकम सर्टिफिकेट में 40,000 का बन जाएगा। तो आपको समस्त आय में 10,000 और जोड़ देना है, और 40,000 का अगर बनवा रहे हैं तो यहाँ पे बना सकते हैं। अगर आप 50,000 होता तो आप यहाँ 50,000 लिख सकते थे। इसके बाद आपको शब्दों में लिखना है। इसके बाद आपको सातवां और आठवां जो है नहीं भरना है। अगर आपने कोई दूसरा बनवाया तो आप यहाँ पर आठवां नंबर भर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना हस्ताक्षर करना है। इसके बाद आपको सत्यापन करना है, तो फिर से मैं अपना आवेदक का नाम, इसके बाद आत्मज, पति श्री भरना है, आयु भरना है, इसके बाद निवासी, आपको फिर से यहाँ पे पता भरना है। सत्यापन करता हूँ करती हूँ कि शपथ पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही कोई असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिए जाएंगे। इसके बाद आपको सत्यापन, आज दिनांक, उस दिन का डेट डालना है जिस दिन आपको ये भर रहे हैं, और इसके बाद आपको अपना वर्ष डालना है, और आप किस स्थान में सत्यापन कर रहे हैं वो भरना है। आप अपना डिस्ट्रिक्ट भी भर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने सीधी भर दिया है। इसके बाद आपको एक और हस्ताक्षर करना है, और इतना फॉर्म भरने के बाद आपका ये फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। और ये अगर भरते हैं तो आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतना ही।